एक दोपहर का क्लास कैसा होता है? 2 to 3:30, 4 o'clock क्लास कैसा होता है? एक्साइटिंग होता है ना, पूरा नींद आता है, राइट? बायोलॉजिकल डिस्टरबेंस होता है बॉडी में, पूरा नाश क्या बोलते हैं, लंच पूरा करके 2 o'clock का क्लास, वो भी हिंदी क्लास, वो भी रामायण, भी नींद में साउंड भी आएगा। ऐसा चल रहा होगा क्लास, पूरा डल एटमॉस्फेयर होगा क्लास में, एंड रामायण में सीता स्वयंवर का एपिसोड चैप्टर चल रहा होगा। उसी टाइम पे सडनली एक डीओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है ना, वो इंस्पेक्शन के लिए आ जाता है। सब सारा क्लास अलर्ट हो जाता है। डीओ आते ही क्लास का टेक्स्ट बुक टीचर से हाथ में लेगा और ऐसे देख के बोलेगा, अच्छा रामायण चल रहा है, वेरी गुड, सीता स्वयंवर, ओके। तो शिव धनुष कौन तोड़ा, पीछे जो बैठा है ना वो ब्लू शर्ट वाला, उसको कड़ा कर देता है वो। आई मीन लास्ट बेंचेस कैसे कड़ा होता है आपको मालूम है ना? फटाफट कड़ा नहीं होते, वो स्लोली कड़ा होता है ऐसा। आई डोंट नो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी सीखा नहीं, स्वेलो करते हैं ना, ऐसा करके स्लोली कड़ा होता है ऐसा करके। तो वो बोलता है, आपको मालूम है क्या पूछा? वो बोलता है, नहीं सर मैं नहीं सुना। तो डीओ फिर पूछता है, शिव धनुष कौन तोड़ा? सीरियस हो जाते हैं डीओ। तो बोलता है, सर मैं 10 दिन के बाद आज ही स्कूल आया। सीरियसली मुझे नहीं मालूम सर। डीओ को एक्सप्रेशन बदल जाता है, ये क्या बात कर रहे हैं? अरे यार क्या बात कर रहे हैं तू, मेरा क्वेश्चन समझ में आया, शिव धनुष कौन तोड़ा? वो बोलता है, अरे यार तू बताना यार। दोस्त को बोलता है, वो दोस्त भी अमीर खड़ा होके बोलता है कि हाँ सर 10 दिन के बाद आया है, डेफिनेटली इसको नहीं मालूम, अटेंडेंस देख लीजिए। इसको गुस्सा आ जाता है डीओ को, ओ टीचर को बोलता है, ये क्या बात कर रहे हैं, व्हाट इज इट दैट आई मीन इट्स गोइंग इन द क्लास। तो टीचर बोलता है, सर उसके बातों में मत आओ, पिछले बार भी ऐसे ही बोला बट वही दौड़ा। पूरा क्लास में टेंशन हो जाता है, वो उसके और टीचर के बीच में पूरा आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है, और टीचर और बैक बेंचर्स के बीच में, वो बैक बेंचर्स दे स्टार्ट टेलिंग, क्या सर कुछ भी तोड़ा तो हमारे ऊपर क्यों डालते हैं? तो टीचर बोलता है, उस टाइम पे जब वो खिड़की तोड़ा तुम लोगों के हाथ था ना, जब वो तोड़ा तो एक डीओ को अनकंट्रोलेबल हो जाता है सिचुएशन। सो डीओ उधर से हेडमास्टर के रूम गुस्सा होके हेडमास्टर के रूम जाता है। सो हेडमास्टर इनवाइट्स हिम, हेडमास्टर आस्क्स हिम, आई मीन क्या हुआ सर, इंस्पेक्शन खत्म हो गया है क्या, अभी आए थे ना? तो बोलता है कि क्या खत्म हुआ यार, आई मीन एक क्लास में गया और एक क्वेश्चन पूछा तो पूरा हल्ला हो रहा है क्लास में। तो सर सर शांत हो जा, क्या हुआ? तो बोलता है, मैं टीच आई मीन अभी जाके वो शिव धनुष कौन तोड़ा पूछा तो वो बोल रहा है, स्टूडेंट बोल रहा है वो नहीं तोड़ा, टीचर बोल रहा है वही तोड़ा है, एंड पूरा यूनियन सपोर्ट कर रहा है स्टूडेंट को और पूरा। तो हेडमास्टर बोलते हैं, सर आपको समझ में है ना हमारे स्कूल के बारे में, इस मामले को इधर ही खत्म कर देते हैं वरना ये स्ट्राइक हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, मैं मालूम करूंगा कौन तोड़ा है। तो उधर डीओ का और बहुत टेंशन हो जाता है, ये क्या यार। सो ही कॉल्स फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, द स्कूल का जो डायरेक्टर है, सो वो डिसीजन देता है कि आपका लाइसेंस कैंसिल करने वाला है। तो वो सब उसको काफी सब पिला के, सर टेंशन क्यों ले रहे हैं, बात क्या है? तो सब बोलता है, अरे यार स्कूल क्लास गया, शिव धनुष के बारे में पूछा था, वो सब झगड़ा कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो आई मीन वो तोड़ा है, और हेडमास्टर बोल रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा क्या चल रहा है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो हेड बोलता है, इतनी सी बात है ना सर, नया बना देंगे।